नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 29 संक्रमित मिले हैं, 39 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 32 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 698 पहुंच गई है। केंद्र से कोविड वैक्सीन आपूर्ति बढ़ने से राज्य को थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज उत्तराखंड को मिली है, जबकि 71,000 वैक्सीन की डोज शनिवार को पहुंचेगी। उत्तराखंड में 48 नए केस मिले हैं, लगातार ग्राफ कोरोना का घटता जा रहा है। कोरोना अपडेट हम आपको बता दें, 39 नए केसेस मिले हैं, 71,000 वैक्सीन की डोजेस अभी तक दी जा चुकी है प्रदेशवासियों को। सक्रिय मामलों की संख्या 698 पहुंच गई है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, कोरोना की क्या कुछ अपडेट सामने? मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जो है उत्तराखंड में 39 जो है संक्रमित कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 32 मरीज ठीक होने के बाद घर उनको भेजा गया है। वहीं अब सक्रिय मामलों की बात करूं तो लगभग 698 जो है सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई है। और आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को जो है 21,637 जो है सैंपलों की जांच नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वहीं दो जिलों में अल्मोड़ा और चमोली में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। इस स्थिति में आपको बता दूं कि प्रदेश में अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,441 हो गई है। इनमें से 3,27,376 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,355 लोगों की जान जा चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंपावत के पाटी ब्लॉक के हरेला पर्व पर हर साल की तरह वन पंचायतों में वृक्षारोपण किया गया। एनआरएलएम के ब्लॉक प्रबंधन रमेश पाटनी ने मनरेगा के तहत 105 समूहों को 500 पौधे वितरित किए। ब्लॉक प्रबंधक ने बताया कि हमारा इस साल का लक्ष्य 5,000 पौधारोपण का है, जिसे हम समूहों के माध्यम से पूरा करेंगे। वृक्षारोपण कार्य करने पर समूहों को मजदूरी दी जाएगी, जिससे उनकी आजीविका चलेगी। ग्राम प्रधानों के द्वारा भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में पौधारोपण किया है। मनरेगा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 105 समूहों की 500 महिलाओं को तेज पत्ता, नींबू, माल्टा, बांज, पांगर आदि पौधे वितरित किए गए हैं, जिससे कि निश्चित ही इन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आजीविका बढ़ेगी। साथ ही विकासखंड पार्टी का 21-22 का पौधरोपण का लक्ष्य 50,000 है, जिसे हम इन स्वयं सहायता समूह भारत चीन सीमा के निकट भारत के सीमांत गांवों के ग्रामीणों को बैंक से पैसा निकालने के लिए अब एटीएम तक नहीं जाना पड़ेगा। चमोली में सहकारी बैंक की एटीएम वैन गांव तक पहुंचेगी, इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बैंकिंग सेवाएं मिलने लगेंगी। चमोली जिले के सहकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रवासियों के लिए ये वैन चलाई जा रही है। बैंक को नाबार्ड के सहयोग से मिली एटीएम वैन मलारी माड़ा घाटी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देगी। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एटीएम वैन जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजी जा रही है, जहां लोगों के लिए एटीएम की सुविधा नहीं है। उत्तराखंड के पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम कोटा मुराद नगर में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी ने उसके 2 वर्षीय बच्चे को भी पीट पीट कर घायल कर दिया। ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना को महिला के देवर ने अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सूचना पाकर सीओ रुड़की बीएस चौहान, एसओ धर्मेंद्र राठी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं संबंध में सीओ बीएस चौहान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला है दीपा वैभव विपिन, उसकी हत्या हुई है और हत्या में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो।
मसूरी में वीकेंड के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर की यातायात व्यवस्था और पर्यटकों की भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन सैलानियों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट, होटल बुकिंग और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होगा, उन्हें शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सैलानियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान में अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को दो पाली में शांतिपूर्ण तरीके से करवाया गया। पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चली और दूसरी पाली की शुरुआत 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित हुई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए थे। परीक्षा को लेकर लगातार नजर रखी जा रही थी। जी, इसमें प्रशासन का जो रोल है वो डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत क्लियरली बच्चों को पहले ही बताए चुके जा चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड में भी लिखे गए हैं, और जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो भी नियम कानून लागू हैं स्थल के लिए, परीक्षा केंद्र के लिए, वो भी बाहर चस्पा कर दिए गए हैं एडवांस में। तो सारे नियम कानून जो हैं, रूल सबको ऑलरेडी मालूम है। बावजूद इसके अगर कोई भूल सकते, आयोग ने इसके लिए भी प्रावधान किया है, एक इंसिडेंट फॉर्म बनाया हुआ है उनके लिए, इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो कन्वे हो जाएगी, और उसमें अगर वो अपनी कॉपी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा रहे हैं एडमिट कार्ड की डायरेक्टली, और उसकी फोटोकॉपी उनके पास अवेलेबल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करके फेस बायोमेट्रिक वगैरह भी उनका रजिस्टर होगा जो कि टैली किया जाएगा जब उन्होंने फॉर्म भरा था, तो इस तरीके से देखा जाए तो सब चीज़ें मिला के। बीजेपी प्रवक्ता के बयान की कड़ी निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीपलकोटी मुख्य बाजार उनका पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद कपरवाड़ ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बीजेपी के नेता प्रदेश की जनता को भिकमंगा तक कहने लगे हैं। वहीं जिला मीडिया प्रभारी अनुराग पोखरियाल ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता द्वारा प्रदेश की जनता को भिकमंगा कहना देवभूमि उत्तराखंड का अपमान है। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में आज 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने परसों देहरादून में घोषणा की कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इसकी बौखलाहट में हमारे ऊर्जा मंत्री, उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट अगर उत्तराखंड में आ जाती है तो हम 3-3.5 साल बाद देखेंगे कि बिजली फ्री करने 300-400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इसी से उनकी बौखलाहट साफ झलकती है कि उन्हें ये डर लगने लगा है, उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन जाए, इसी से उनकी बौखलाहट नज़र आती है। तो और एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कल एक बयान दिया कि उत्तराखंड की जनता भिकमंगी है, तो उत्तराखंड की, मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड की जनता भिकमंगी नहीं है, ये उनका एक राइट है, उनका एक अधिकार है, उन्हें भी बिजली फ्री मिलनी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि उत्तराखंड में 80 से ऊपर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें से ये तो हमारा अधिकार है कि बिजली फ्री मिले हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी काम हमारे आम आदमी पार्टी ने किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उत्तराखंड वासियों के लिए। और जैसे ही आम आदमी की सरकार यहाँ पे आती है, अपने वादे के मुताबिक जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने वादा किया था, वहाँ की जनता को बहुत राहत दी है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने किया गया, ये एक इंटरेस्टिंग विषय है। इसका वर्तमान में जो यूनिट है, उसका प्राइस है वो तकरीबन 5 रुपये यूनिट के हिसाब से है, और जिसका कैलकुलेशन बैठता है 1500 रुपये प्रति माह, और साल भर का जो एस्टिमेट बैठता है तकरीबन 18,000 रुपये, और 5 साल की अगर सरकार चलती है तो इसका कैलकुलेशन बैठता है 90,000। तो इस प्रकार से एक गरीब और किसानों को तकरीबन 90,000 का फायदा हमारे आम आदमी पार्टी की जो फ्री यूनिट देने की बात कही उस।
भगवानपुर विधानसभा के चोली शाहबुद्दीनपुर गांव के सैकड़ों लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे और जरूरी पड़ने पर भूख हड़ताल भी की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि 1960 में जब आपदा आई थी तो डीएम ने इन सैकड़ों परिवारों को विस्थापित करके मंडावर गाँव में बसा दिया था, जिसके बाद से आज तक इनके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और तमाम दस्तावेज चोली गाँव से ही जुड़े रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन्हें मंडावर गांव से जोड़ने का निर्णय ले लिया है, जो बिल्कुल गलत है। अब इसी का विरोध करने के लिए लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जो हमारा गांव चोली में आ रहा था तो उसका तो नाम है, उसका तो सारी मतलब स्थिति बदल गई। चोली की अपनी एक अलग पहचान थी जो पृथ्वी सिंह खड़क सिंह के नाम से जाने जाती थी। हम नहीं चाहते कि हमारा जो गांव का विभाजन हो वो मंडावर में हो या वो हो। हमारा एक गांव है, बहुत सारी आबादी है, हमारे यहाँ की आबादी कम से कम 10 के करीब होने जा रही है और बाहर का लोग भी बसा हुआ है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि मंडावर और भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों के मामले में ACMO ने कड़ी फटकार लगाई है। ACMO ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाते हुए जांच की बात कही। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दवाइयों को जला दिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही ACMO ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। ACMO डॉक्टर राजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच बारीकी से की जाएगी, आखिर दवाइयों को क्यों जलाया गया। भगवानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो देखी गई, OPD सर्विसेज थी वो देखी गई, डिलीवरी वाला जो सेंटर पॉइंट था वो देखा गया। इसके अलावा जो जहाँ मेडिसिन होती है, कैनरा बैंक के अधिकारियों ने आज खेड़ीश कोहपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ एक बैठक की और किसानों को सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए किसानों को मिलने वाले लोन के बारे में बताया। दरअसल आपको बता दें कि कैनरा बैंक छुटमलपुर शाखा के बैंक मैनेजर, लोन ऑफिसर और मुजफ्फरनगर से आए रीजनल मैनेजर भगवानपुर तहसील के ओडिशी कोहपुर गांव पहुंचे और सैकड़ों किसानों के साथ किसान लोन की स्कीमों को लेकर चर्चा की और सरकार की योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। आप लोग जानते हैं कि हमारी ये छुटमलपुर शाखा कैनरा बैंक की यहाँ पर हुआ है और ये हमारा गांव शाखा के अंतर्गत आता है। तो आज हमारा मुख्य प्रोग्राम ये था, भारत सरकार की जो बैंक की हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में, ग्राम के जितने भी ग्रामीण किसान भाइयों को सारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना, बीमा योजनाएँ हैं किस तरह से बीमा योजनाओं का फायदा उठाना, जैसा कि आजकल कोरोना काल आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को बीमा की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को रुपये कार्ड के बारे में जानकारी लेनी थी, उनके संदर्भ में हम लोगों ने छोटा सा यहाँ पर आयोजन किया और बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर। लक्सर तहसील में तैनात पटवारी का रिश्वत मांगने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने पटवारी को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित लेखपाल के कृत्य की रिपोर्ट जिलाधिकारी हरिद्वार को भेज दी गई है। पटवारी ने जमीन नामांकन के लिए किसानों से रिश्वत की मांग की थी, लेकिन किसान ने रिश्वत लेते हुए पटवारी का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। मंगलौर कोतवाली में तैनात एक सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि धीर सिंह नामक सिपाही रात की ड्यूटी पूरी कर अपने आवास सिटकुल लौट रहा था, तभी उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं जिस ट्रक से सिपाही की मोटरसाइकिल टकराने से यह हादसा हुआ उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये मंगलौर थाने में तैनात एक कांस्टेबल धीर सिंह जो आज रात की शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा था, उस रास्ते में खड़े एक ईट के जो ट्रक है उस पर एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है और उसमें जो भी राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे कटौती किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राज्य भर के पुलिस कर्मियों के साथ शोषण किए जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस लक्सर, लंडौरा, मंगलौर से होते हुए देहरादून तक शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर पुलिस कर्मियों की पुरानी ग्रेड पे बहाल किए जाने की मांग की है।
ईद उल अजहा पर्व को लेकर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने मौजज लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान कुर्बानी रस्म गत वर्षों की तरह ही मनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा लंडौरा में कुर्बानी की परंपरा नहीं है। वर्षों से लोग बकरा ईद पर कुर्बानी रस्म जैनपुर जंझेड़ी के जंगल में करते हैं। गुरुवार को कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने लंडौरा पुलिस चौकी पर मौजूद लोगों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि पर्व पर आपसी भाईचारा और मजबूत बनाए जाए, साथ ही पर्व पर कुर्बानी रस्म गत वर्षों की तरह ही अदा करें। यशपाल बिष्ट ने आगे कहा कि अगर किसी ने नई परंपरा या आपसी भाईचारा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जो हमने मीटिंग लिए ईद के संबंध में ली थी, ईद में दो बातें मेनली इसमें बोलनी थी। एक तो ये कि COVID-19 का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डेल्टा प्लस वायरेंट जो आ रहा है जिसकी थर्ड वेव आने की संभावना है, जिसकी प्रजेंस भी आ चुकी है देश में, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए से ये एक अनुरोध किया गया है कि मस्जिद में ईदगाह में 5-5 लोग ही नमाज पढ़ें, बाकी लोग घर पर नमाज पढ़ें, जिससे लोग सभी सुरक्षित रहें, परिजन सुरक्षित रहें। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जो बकरीद में जो कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी स्थल में जब कुर्बानी होती है तो कुछ लोग उसके फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल देते हैं, इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके जन भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अनुरोध है, हरेला पर्व पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कर हरेला पर्व पर लोगों से वृक्ष बचाओ पौधा लगाओ के तहत पर्यावरण की प्रति जागरूक किया गया। वहीं मसूरी पुलिस द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ पुलिस विभाग ने मिलकर कई प्रजातियों के पौधे लगाए। ये ग्राम क्यारबली भट्टान के ग्रामवासियों द्वारा जो हरेले का पर्व मनाए जाने के उसमें आज है वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें थाना मसूरी को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें हम लोग मई फोर्स के गए थे। और क्या ये अच्छा पहल है गाँव वालों की, जिसमें जो है भिन्न भिन्न प्रजाति के पेड़ लगाए गए। हरेला पर्व के अवसर पर गढ़वाल वन प्रभाग की पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंड में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बांज देवदार काफल जैसे पौधों का रोपण किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों में ग्राम प्रधान ने भी पौधारोपण किया और ग्रामीणों से अपील की है कि इस वर्ष हरेला पर्व के मौके पर अपनी वन पंचायत में अधिक से अधिक कार्यक्रम के तहत अपनी वन पंचायत में अधिक से अधिक काफल बांज के पौधे लगाएं। आपको बता दें कि हरेला कार्यक्रम के तहत 5,000 निःशुल्क पौधों का रोपण और वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरेला पर्व की छुट्टी होने के बावजूद ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल लिया। अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में CMS से फीडबैक भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो भी कमी है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, इसलिए वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का खाका तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं जब से स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना हूं, मैंने पहले दिन कहा कि मैं उत्तराखंड के 100 हॉस्पिटलों का दौरा करूंगा और आज मैं ये 9वें हॉस्पिटल में आ रहा हूं। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करा देंगे, तो एक बड़ा अभियान हमने लिया है। दूसरा, थर्ड वेव के लिए हमारे जितने PSC हैं, CSA हैं, उप जिला केंद्र हॉस्पिटल है हमारे और जिला हॉस्पिटल हैं, इनमें ऑक्सीजन प्लांट से लेके बेड से लेके और ICU से लेके सारी व्यवस्थाएं। बीते कुछ दिनों में हुई हल्की बारिश से ही प्रेमनगर के नेशनल हाईवे के समीप पुस्ता ढह गया, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे PWD मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आनन फानन में बनाए जा रहे पुस्ते की गुणवत्ता के जाँच के भी महाराज ने निर्देश दे दिए हैं। रूप में बड़ी सख्ती बढ़ती है और मैं यहाँ आया हूँ पशुओं का मुआयना करने के लिए। मेरे साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर जी है और मैंने ये अभी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली है, वो पूरी रिपेयरिंग करने जा रहा है
मैंने कहा ये इतना बड़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी हादसा हो सकता था, तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और पूरी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा फिर से एवलांच ना आए या कोई इस प्रकार से ये जो टूट के गिर गया है, क्रैक्स आ गए हैं, ऐसे डेवलप ना हो। तो मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ, और मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि जो भी सड़क है उसके किनारे जो नाली होती है उस नाली की सफाई होनी चाहिए, ताकि पानी जो है सड़क में ना ठहरे और गड्ढे ना बने। मैंने हिदायत दी है कि सारे गड्ढों को जो है धीरे धीरे दूर किया जाए, गड्ढों के मरम्मत की जाए, और सड़क जो है सीधी और सुगम और स्वच्छ रखी जाए, इसके हिदायत दी है। इसके साथ साथ हमने जो साइनेजेस है उसके लिए भी कहा है, और जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर हमने कहा कि 1 किलोमीटर पहले आप पहले से बता दें, साइन लगा दें कि आगे कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि जो भी व्यक्ति है। टिहरी विस्थापित कॉलोनी में प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। प्रदेश व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सचिव का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश व्यापार मंडल विशाल मूर्ति भट्ट ने कहा कि आज जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। आज जो विश्वास व्यापारियों ने हम पर किया है उस विश्वास को हम कभी हारने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा एक मन था कि मैं संजीव के साथ एक उसे सहयोग करके इस लड़ाई, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करूं, व्यापारी हित की लड़ाई लड़ने का काम करें। जहां तक कि आज प्रशासन ने जिस तरह का व्यापारियों के साथ मतभेद करा है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, लेकिन एक दशक से अगर हम देख रहे हैं लंबे समय से व्यापारी संघर्ष कर रहा है, कोरोना के नाम पर बैकफुट पर आ गया है, उसके बावजूद भी व्यापारियों को बढ़ाने के लिए सरकार कोई अपना अहम भूमिका नहीं निभा रही। जबकि कांवड़ मेला सर पर है और कुंभ मेला अभी मध्य में आप देख सकते हैं कि निकला था, लेकिन व्यापारियों के हित का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब एक आस थी व्यापारियों को कि कम से कम यार एक कोरोना के बाद कि कांवड़ मेला जो लगाया जाएगा उससे हमारे रोजी रोटी, व्यापारियों का जो व्यापार चलेगा तो एक परिवार पलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग जिम्मेदारी मेरे कंधों पे मिली है, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे दी है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी पूरे प्रदेश में, पूरी प्रदेश की जनता को पूरी प्यार से मोहब्बत की जाएगी। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।